नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, वेरिकोस वेंस के बारे में मैंने पीछे भी बताया था कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और किन लोगों को वेरिकोस वेंस होने की संभावना हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में, जिनके हर बार के इस्तेमाल के बाद पहले के मुकाबले इस बीमारी में सुधार आता जाएगा और देखते ही देखते ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके लिए जो पहला नुस्खा है, इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी जैतून का तेल, नींबू और साइप्रस ऑयल या फिर थुजा ऑयल की। वैसे तो बहुत सारे तेल होते हैं जो कि हमारे शरीर में आई कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन इन जैसी गंभीर बीमारियों की जब बात आती है तो इसमें साइप्रस ऑयल या थुजा ऑयल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। थुजा को मोर पंखी या विद्या के पेड़ के भी नाम से जाना जाता है। यह इतना असरदार होता है कि इसके तेल का इस्तेमाल हमारे शरीर से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है और खास करके गंजेपन की समस्या में इसके तेल के इस्तेमाल से कमाल के लाभ प्राप्त होते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 नींबू के छिलकों की ऊपरी परत को निकाल कर लगभग 100 ml जैतून के तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसके बाद इस तेल को कम से कम 10 से 15 दिन तक धूप में रखें। इसे धूप में रखने से नींबू के छिलके में मौजूद वो सारे तत्व तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। 10 से 15 दिन हो जाने के बाद इस तैयार तेल में लगभग 30 ml साइप्रस थुजा ऑयल को मिक्स कर दें। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने नींबू के छिलकों का इस्तेमाल किया है। नींबू के छिलकों में तेल पाया जाता है जो कि हमारी नसों में आई कमजोरी को दूर करता है और साथ ही इसके इस्तेमाल से शरीर की नसों में खून का बहाव भी तेज होता है। सारी चीजों से मिलकर बने इस तेल को रोजाना रात के समय नसों में सूजन वाली जगह पर 10 से 15 मिनट हल्के हाथों से मालिश करते रहे। मालिश करते समय ध्यान रहे हमें बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। मालिश के बाद उस जगह को किसी सूती कपड़े की सहायता से लपेट कर रात भर के लिए छोड़ दें। लगातार इस तरह से इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से नसों में आई सूजन धीरे धीरे कम होती जाएगी और कम समय में ही आपको इस समस्या से कमाल का फर्क नजर आएगा। लेकिन किसी भी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करना होता है तो बाहर से किए जाने वाले नुस्खे के साथ साथ अंदर से मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है। वेरिकोस वेंस की बीमारी में हमारे शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में हमें वह सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए जो कि शरीर के अंदरूनी नसों को ताकत प्रदान करें। इसके लिए 3 चीजें इस बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, काली किशमिश, फ्लैक्सिस यानी कि अलसी के बीज और चिया सीड्स। यह तीनों ही चीजें आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान या सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। वेरिकोस वेंस की बीमारी में तीनों ही चीजों का रोजाना अलग अलग इस्तेमाल करने से यह बीमारी तेजी से ठीक होने लगती है। काली किशमिश खरीदते समय यह ध्यान रहे कि यह बीज वाली ही होना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदा इसके बीज ही खाने से होती है। इसलिए बिना बीजों वाली काली किशमिश न खरीदें। इसका सेवन करने के लिए रोजाना रात को 8 से 10 किशमिश पानी में गला कर रख दें और सुबह खाली पेटी ने अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है जो कि नसों में मौजूद ब्लॉकेज को दूर करती है। इसके अलावा 1 चम्मच अलसी का सेवन रोजाना दिन में खाना खाने के 1 घंटे बाद करें। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड तथा फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कि हमारे शरीर को ताकत प्रदान करने के साथ साथ शरीर के नसों को अंदरूनी तरह से मजबूत बनाती है। इसके साथ ही चिया सीड का सेवन करने के लिए 1 चम्मच चिया सीड को 1 कप पानी में 2 से 3 घंटे तक गला कर रखें और उसके बाद शाम के समय खाना खाने के 40 से 50 मिनट तक पहले इसका सेवन करें। चिया सीड्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। इसका सेवन करने से शरीर में आई किसी भी तरह की कमजोरी को दूर करती है और साथ में नसों में सूजन कम करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए ये बहुत अधिक फायदेमंद होती है। इसके अलावा बड़ी लाल मिर्च और एप्पल साइडर विनेगर भी वेरिकोस वेंस की बीमारी में बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। बड़ी लाल मिर्च को काइनेन पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी रोजाना खाई जाने वाली लाल मिर्च से काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। शरीर में आंतों की सफाई, दिल से जुड़ी बीमारियां, नसों में खून जमना, माइग्रेन और जोड़ों में दर्द के साथ साथ पेट साफ करने और वजन घटाने और कैंसर जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इतने अधिक फायदे होने के कई तरह की बीमारियों में इसके कैप्सूल भी खाए जाते हैं।
बड़ी लाल मिर्च आपको सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी को आप हल्का गर्म कर लें और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद उसमें एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, आधा चम्मच काइनन पाउडर, एक चम्मच शहद डालकर सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और रोजाना रात के समय खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। एप्पल साइडर विनेगर हमारी नसों में खून का भाव तेज करता है, साथ ही इसे पीने के साथ साथ जैतून के तेल के साथ मिलाकर नशों पर मालिश करने से भी इस बीमारी में भी जल्दी आराम मिलता है। अगर आपके पैर में वेरिकोस विंस की समस्या है और ऐसे में कंपनेशन सॉक्स भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यह सॉक्स पहनने से हमारे नशों पर बराबर दाब पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे नशों में आई कमजोरी कम होने लगती है। लेकिन कंप्रेशन सॉक्स को पहनते समय एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। केवल बैठे बैठे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रोजाना पैरों से जुड़ी एक्सरसाइज करना नशों को मजबूत करने, वेरिकोस विंस की बीमारी को तेजी से ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है। केवल यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके परिणाम सबसे ज्यादा जल्दी आने लगते हैं। साइकिल चलाना या तो फिर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना पैरों की नसों को मजबूत बनाने के लिए सबसे आसान एक्सरसाइज है। सुबह के समय अगर आप पैदल चलते हैं तो बीच बीच में आप अपनी एड़ियों को उठा करके कुछ कदम अपने पंजों पर भी चलें। ऐसा करने पर पैरों में खून का भाव तेज होता है, जो कि वेरिकोस विंस की बीमारी में ये बहुत जरूरी है। अगर आप यह सॉक्स पहनकर एक्सरसाइज करते हैं तो इसका असर आपकी पैरों की नसों पर दुगनी रफ्तार से होगा। जब भी हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी या कमजोरी होती है तो हर तरह के इलाज और उपाय करने के साथ साथ हमें अपने खान पान में भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हमें तो पता भी नहीं होता हमारे द्वारा खाई जाने वाली चीजों में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे कहीं न कहीं हमारी बीमारी बढ़ रही होती है। वेरिकोस विंस होने पर आप अपने खान पान में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिन्हें की आसानी से पचाया जा सके। जिन चीजों को आसानी से पचाया नहीं जा सकता वह हमारी नसों में आई कमजोरी को और अधिक बढ़ा देती है। इसलिए मैदे से बनी हुई चीज और बाहर की तली हुई चीजें, जंक फूड का सेवन कम से कम करें, जैसे कि पैकेट में मिलने वाली चीज में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।